हज़रत उमर अंदर गए, कहे रसूल अल्लाह आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? क्या कि नहीं, तलाक तो नहीं दी। खुशी में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, क्यों वो जो बेचैनी थी साहब में अभी वो बात सही नहीं है। बहरहाल फिर हज़रत उमर ने चाह कि टेंशन का माहौल है, गम का माहौल है, थोड़ी दिल लगी कर ली जाए, थोड़ा मजाक कर लिया जाए। और बुखारी में बाप बांधा इमाम बुखारी ने कि जब कोई दोस्त और अपना करीबी परेशान हो, टेंशन में हो, तो कुछ मजाक कर लेना चाहिए और दिल लगी कर लेना चाहिए, उसका गम हल्का हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल, बैठे बैठे बातों में कहा, इधर उधर की बातें करते हुए आए उस पॉइंट पर और कहा, या रसूल अल्लाह हम जब मक्के में थे ना तो हमारी औरतों पर हमारा होल्ड था, मर्दों की चलती थी, और यहाँ मदीने आए तो मदीने का माहौल दूसरा है, यहाँ की औरतों की चलती है और मर्दों का होल्ड इतना नहीं है, और हमारी औरतें भी देखा देखी रंग पकड़ गई। एक मर्तबा मेरी बीवी ने इसी तरह मुझसे मुतालबा किया, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, डिमांड की, मैंने एक गर्दन पर मुक्का मारा। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा गए, हंसी आ गई, तो थोड़ी तसल्ली हो गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जैसा कि इससे पहले दो दर्स में तफसील के साथ बात आ चुकी है कि ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, अहज़ाब पार्टियों को, लश्करों को, जत्थों को कहते हैं। अरब के मुशतरका जत्थे और लश्कर मदीना पर हमला आवर हुए थे, इस वजह से उनको अहज़ाब या इस सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब या उस ग़ज़वे को ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। उसमें अहले ईमान का, यहूदियों का और मुनाफिकों का क्या क्या अपना अपना रोल था, मुनाफिकों की और यहूदियों की किस तरह की साजिशें हुई, वो भी हम पहले दरसों में पढ़ चुके हैं। ये जो आयत पढ़ी गई इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये बेहतरीन नमूना हमारी पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम मरहलों के लिए है, लेकिन यहाँ ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब के ज़िम्न में ये आयत आई है, ये बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुनाफिकों से और उन लोगों से जो आसाब शिकन, हौसला तोड़ने वाले उस माहौल में तरह तरह की बातें करके मुसलमानों के हौसलों को पस्त कर रहे थे, उनसे कहा जा रहा है कि देखो तुम्हें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए था, कितने ख़तरनाक हालात थे, एक छोटी सी आबादी पर पूरा इलाका टूट पड़े तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनकी क्या हालत रही होगी, वो किस टेंशन से गुजर रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद उस हाल में भी उनके इस्तिक्लाल में, उनकी पामर्दी में, उनकी मजबूती में, अल्लाह पर उनके यकीन में, अल्लाह पर भरोसे में, और फिर वो जो ईजाबी ज़िंदगी होती है, मुस्बत सोचना, हौसलों को पस्त न होने देना, न खुद को और न खुद के साथ वालों को, इस तरह मोहम्मद इस ग़ज़वे में रही। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़िक्र, तशवीश, बेचैनी, टेंशन होती तो सरदार पर होती है, अल्लाह के नबी तो सबके सरदार थे, लेकिन उन हालात में भी उनके पाए इस्तक़लाल में ज़रा भी जुम्बिश नहीं आए, ज़रा भी हिले नहीं, अब मजबूती के साथ रहे। बल्कि पिछले दर्स में हम बता चुके हैं इतने ख़तरनाक हालात थे, फ़क्र व फ़ाका अलग, तंगी अलग, दुश्मनों का खौफ अलग, और चट्टान तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसरा के ख़जाने आएंगे, कैसर के ख़जाने आएंगे, सना और यमन फतह होगा, उम्मीद दिला रहे हैं, ऐसा किसी का हौसला हो सकता है? तो कहा कि तुम्हें तो इनकी ज़िंदगी को सामने रखना चाहिए था, इनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना होना चाहिए था, और ये नमूना हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, जिसको जिसके दिल और दिमाग में ये बात बैठी हुई कि मुझे मरना है और अल्लाह का सामना करना है, आखिरत में सामना करना है, और जो अल्लाह को खूब याद रखता है, अल्लाह की याद, अल्लाह की जिक्र, जिसके दिल में जिक्र का चराग रोशन होता है, वही नबी की ज़िंदगी को नमूना बनाता है, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को, उनकी हरकत व सुकून को, उनके चाल ढाल को, उनकी ज़िंदगी के रहन सहन को, उनके खुशी के लम्हात को, उनके गमी के हालात को, हर मरहले को, नबी के ज़िंदगी के हर मरहले को अपने सामने रखता है। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब,
मुनाफिकों का तो वो हाल था, कहते थे देखो एक तरफ इतना खौफ है कि हम बाहर कज़ाए हाजत के लिए नहीं जा सकते हैं, अपनी बशरी इंसानी जो ज़रूरियात पेशाब पखाना उसके लिए इत्मीनान से बाहर नहीं जा सकते हैं, और एक तरफ ये कह रहे हैं ये क़िले फतह होंगे। कैसी बातें करते हैं, इस तरह की बातें करके मुसलमानों के हौसलों को पस्त कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि मोहम्मद ने तो फरेब किया, हमारे साथ धोखा किया है, वो तो कह रहे कामयाब होंगे। ये कैसी कामयाबी, हमारी तो दिल जो है ये उखड़ कर यहाँ तक आ चुके। लेकिन ईमान वालों का क्या माहौल था और उनका क्या किरदार था, कुरान कहता है वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله। ईमान वालों ने जब जत्थे देखे, लश्कर देखा, और यहूदियों की और मुनाफिकों की और पूरे अरब के उन मुशरिकों की इन पूरी प्लानिंग को देखा, लगे यही तो वो हाल है, यही तो वो हालात हैं कि जिनका हमसे अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया था, और अल्लाह उसके रसूल की बात और उसका वादा बिल्कुल सच होता है। अल्लाह के नबी ने पहले ही बताया था हालात इस तरह आएंगे आजमाइश के, और ये आजमाइश है। हदा मा वादना अल्लाह व रसूलू, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो पेश आना था। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानं व तस्लीमा, इन हालात ने उनके ईमान में अल्लाह उसके रसूल की इताअत में फर्मा बरदारी में इजाफा किया। हालात जितने ख़तरनाक होते चले जाते हैं, ईमान वाले के ईमान में इजाफा होता है, यकीन वाले के यकीन में बढ़ोतरी होती है, और वो चूँकि उसके सामने कुरान है, उसके सामने नबी की ज़िंदगी है, उसके सामने पूरी सीरत नबविया है, और पूरा हालात हैं मक्की ज़िंदगी के, मदीने की ज़िंदगी के, और तमाम मरहले हैं, तो जब जब दुनिया में इस तरह के हालात पेश आते हैं, अहले ईमान भी यही कहते हैं ये तो होना ही था, अल्लाह उसके रसूल ने इसके बारे में पेशींदगोयाँ की है और इसके बारे में वजाहत आई है, उनके ईमान व यकीन में इजाफा हो जाता है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, इन अहले ईमान में से ऐसे मर्द हैं, ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से वादा किया था उन्होंने सच कर दिखाया। फमिनहुम मन कज़ा नहबहु, हालात आए कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं हुए, मुज़ब्ज़ब नहीं हुए, हिचकिचाए नहीं, अब क्या होगा हमारा, हालात इतने ख़तरनाक हैं, जिस तरह मुनाफिकीन बातें कर रहे थे, पक्के ईमान वाले ऐसा नहीं करते हैं। पक्के ईमान वाले कहते हैं ये शाम गम है ढली जाएगी, सुबह ईद होगी, हर अंधेरे के बाद, तारीकी के बाद, घटा टोप अंधेरे के बाद सुबह तुलू होना है, ये तो होता है कि हर शाम गम के बाद सुबह ईद होती है, तो ये तो ईमान वालों के साथ पेश आते रहेंगे हालात। उन्होंने अल्लाह उसके रसूल से पामर्दी का, जमे रहने का, हर हाल में इताअत और फरमा बरदारी का जो वादा किया था उन्होंने कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ तो अहले ईमान अपनी नज़र पूरी कर चुके कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिए, और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। हज़रत अनस कहते हैं मेरे चचा, उनका नाम भी अनस इब्ने नज़र था, बद्र में शरीक नहीं हो सके थे, कहा कि मेरी तमन्ना थी कि अल्लाह के नबी के साथ जंग में शरीक रहूं, शहादत हासिल करूं, बड़ी महरूमी की बात रही कि मैं बद्र में शरीक नहीं हो सका, आइंदा जब मौका मिलेगा तो मैं अल्लाह को उसके रसूल को अपनी बहादुरी दिखाऊंगा, जान की बाजी लगा दूंगा। फिर एक साल के बाद उहद पेश आ गया, जंग उहद में उसी इरादे और जज्बे के साथ मैदान में उतरे हैं, और काफिरों के अंदर उधर उनकी तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे। किसी ने पूछा अनस बिन नज़्र कहाँ जा रहे हो, कहा कि इन्नी लअशुम्मु राइहतल जन्नत दून उहद, उहद पहाड़ के उधर मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर कुफार में घुसे हैं और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया, और उसी में शहीद भी हुए, और शहादत भी इस तरीके से पाई है कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो ज़ख्मों से चूर ना हो, 80 से ज़्यादा उनके जिस्म पर नेज़ों के, तलवार के और हथियारों के ज़ख्म थे, पहचाने नहीं जा रहे थे, शायद उंगली के किनारों कोरों से उनकी बहन ने पहचाना था कि ये मेरे भाई हैं अनस इब्ने नज़्र। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़र पूरी कर ली, जान की बाजी लगा देने का जो वादा किया था अल्लाह के नबी से वो वफा का किया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, उनके दिलों के जज्बात भी ऐसे ही हैं कि आइंदा हमें भी मौका मिलेगा, हम भी ईमान के लिए जान की बाजी लगा देंगे। वमा बद्दलू तब्दीला, ज़र्रा बराबर भी उन्होंने अपने इस वादे में कोई तब्दीली
ज़र्रा बराबर तब्दीली नहीं की है। मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। आज भी दुनिया में जो सच्चे पक्के ईमान वाले हैं उनकी नस्लें बाज़ मरतबा काफिरों से लड़ते हुए ख़त्म हो गई, शहीद हो गई, लेकिन बाद वाली नस्लों में यही जज्बा मौजूद है, जब तक दुश्मन हमारे सामने है हम अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। हमेशा दुनिया ऐसे अहले ईमान से, अहले यकीन से कभी खाली नहीं रही है, हमेशा आबाद रही है। मा बदलु तब्दीला लियज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम। अब अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह हालात क्यों लाता है? ये जो हालात आते हैं आजमाइश के, मुसीबतों के, दुश्मनों के रोब के, खौफ के, इस तरह के हालात, ये अल्लाह हालात इसलिए लाता है कि खरे खोटे की तमीज़ हो जाए, खा मुखलिस की और मुनाफिक की तमीज़ हो जाए, और ये जो हीरों के अंदर जो पत्थर कंकर पड़े हैं ना उनको अलग कर लिया जाए, जो कचरा है वो साफ़ कर लिया जाए, मुनाफिक एक तरफ हो जाएंगे। हालात वो जब देखेंगे, बज़ाहिर हालात मुशरिकों की तरफ हैं, काफिरों की तरफ हैं, ज़ालिमों की तरफ हैं, तो हमारी सब के अंदर के जो मुनाफिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगे। और हालात ही जब आते हैं तभी पता चलता है कौन पक्का मोमिन है और कौन मुनाफिक है, दोगला इंसान है। तो अल्लाह ने ये हालात ले आते हैं ताकि सच्चों को उनके सच्चे का बदला अता फरमाए, और जो मुनाफिक हैं, दोगले किस्म के लोग हैं, उनको अजाब दे, और इंशा अगर चाहे और यतूब अलैहिम, या अल्लाह उनको तौबा की तौफीक दे दे, वो सच्चे पक्के मोमिन बन जाए। अल्लाह को सबको सज़ा ही देनी है, ऐसा कोई इरादा अल्लाह का नहीं है। अल्लाह तो ये चाहता है सब बंदे ठीक हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं, अपनी इस्लाह कर लें। अगर अल्लाह चाहे तो उनको तौबा की भी तौफीक दे दे। इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीन कफरू बिगैरिहिम लम यनालू खैरा। अल्लाह फरमा रहे हैं काफिरों को अल्लाह ने उनके गम और गुस्से के साथ वापस लौटा दिया। 10,000 का मुत्तहिदा लश्कर, सीरत की बाज़ किताबों में 24,000 आया है, ग़ालिबन अल्लामा इब्न कसीर मशहूर तफसीर है, बहुत मोतमद, उसमें शायद 24,000 की तादाद है। 24,000 का लश्कर मदीने की आबादी उससे कई गुना कम थी, इतना बड़ा लश्कर आया था बड़े अज़्म हौसले इरादों के साथ के मदीने का तख्त ताराज कर देंगे, मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, लूट मार करके नामो निशान मिटा देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, इस इरादे के साथ आए थे, ये आखिरी वार है। लेकिन अल्लाह ने हालात ऐसे पैदा किए कि एक तो ज़बरदस्त तूफान बरपा कर दिया, आंधी आई, और दूसरी तब फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, और तीसरी तब कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिन्होंने उनके आपस में फूट डाल दी। नुआइम बिन मसूद का नाम आता है, और पिछले दो दर्स पहले उसको तफसील से बयान किया जा चुका है। इस तरह अल्लाह ने हालात पैदा किए कि ये इतना बड़ा लश्कर जिस इरादे के साथ आया था, इरादा पूरा नहीं कर सका, जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ, बेचैनी के साथ लोटपोट होते हुए, अंदर गुस्सा उबल रहा था उनके सीनों में, और इसी तरह बेनैले मराम नाकामी के साथ वापस लौटा। ज़र्रा बराबर भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, न मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा सके, न कोई माल गनीमत हासिल कर सके, मदीने की कोई चीज़ ले जा सके। वकफ़ल्लाहुल मुमिनीन अल-क़िताल, और अल्लाह मोमिनों की तरफ से जंग में काफ़ी हो गया, लड़ाई की नौबत ही नहीं आने दी। वरना बज़ाहिर तो ऐसे थे, इतना बड़ा लश्कर अगर यूं ही आगे बढ़ जाता मदीने की पूरी आबादी को कचूमर निकाल देता। अल्लाह ने लड़ाई का मौका ही ना आने दिया, इस तरह उन पर रोब बिठा दिया। अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, कवीया ताकतवर है, अजीज़ है, ज़बरदस्त है, उसकी ताकत के सामने कौन टिक सकता है? वो चाहे तो ममोले को शाही से लड़ा दे, वो चाहे चराग के सामने सूरज को फीका कर दे, वो जिस तरह चाहे अपने ताकत और कुव्वत के फैसले कर सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौक़ों पर कहा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा सदका अब्दा सदका वादा नसरा अब्दा हजम अल अहज़ाब वहदा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। नहीं है कोई, बस वही एक है, उसने अपने वादे को पूरा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई, तमाम मुत्तहिदा लश्कर को शिकस्त दे दी, बस ये करने वाला वो एक अकेला है, उसकी कोई मिसाल नहीं।
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن سَيَاصِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے محلوں سے، کوٹھیوں سے اتار دیا جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی۔ پہلے پڑھ چکے ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، مدینہ میں مشرک تھے اور یہودی تھے۔ یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں گئے تھے، ادھر مسلمان بدر میں وہاں مشغول تھے، پیچھے ایک مسلمان عورت دودھ بیچنے بنو قینقاع کے بازار میں گئی تھی، یہودیوں کی آبادی، دودھ بیچنے۔ کسی یہودی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کو ننگا کر دیا، کپڑے اتار دیے۔ ایک مسلمان وہاں موجود تھا، اس کو تیش آیا، اس نے یہودی کا وہیں خاتمہ کر دیا۔ تو پھر یہودی بھڑک گئے، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو پھر اس کا انتقام لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تھے تو معاہدہ ہوا تھا، الائنس، اتحاد یہودیوں کے قبیلوں، مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان، کہ ہم سب یہاں مدینہ میں مل کے رہیں گے، کوئی شر فساد برپا نہیں کریں گے۔ ایک شرط۔ دوسری شرط کہ باہر سے کوئی مدینہ پر اور مدینہ کے اطراف پر حملہ آور ہوگا، ہم میں سے کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ اور کچھ اور اس کی شقیں تھیں۔ تو انہوں نے یہ شر فساد برپا کر دیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گئے، غزوہ بنو قینقاع پیش آیا اور بنو قینقاع کے قبیلے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جلا وطن کر دیا، وہ جا کر دور آباد ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، یہودی سازشی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر والوں نے بلایا، قبیلہ تھا وہ، اور پلان یہ بنایا تھا کہ اللہ کے نبی کو ایک کوٹھی، ایک محل کے نیچے بٹھا دیں گے بہانہ بنا کر، اوپر سے بڑی چٹان گرا دیں گے، خاتمہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، لیکن عین موقع پر جبرائیل امین کو بھیجا گیا، وحی کے ذریعے سے اطلاع کی گئی کہ یہ سازش کر رہے ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ سازش کھل گئی، اللہ کے نبی نے ان کا بھی گھیراؤ کیا، مقابلہ کیا، اور پھر یہ طے ہوا کہ تم بھی یہاں سے، مدینہ سے چلے جاؤ، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے تم نے، فساد برپا کر رہے ہو یہاں۔ ان کو بھی جلا وطن کر دیا۔ دو قبیلے یہ جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اب ایک قبیلہ رہا تھا بنو قریظہ، یہودیوں کا، اب تک ٹھیک تھا، لیکن اس غزوے میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس غزوے میں پہلے تک تو ٹھیک تھا، لیکن بنو نذیر جو وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے خیبر میں، اس کا سردار تھا حیی بن اختب، جو حضرت صفیہ کا والد ہے، حضرت صفیہ جو حضور کی اہلیہ ہیں ان کا والد، وہ آیا وہاں سے۔ اس نے دیکھا اب موقع ہے آخری وار کرنے کا، پورا عرب ان کے خلاف ہو گیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے آ کر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسود کو چکنی چپڑی باتیں کی کہ دیکھو یہ آخری موقع ہے، تم اندر سے ساتھ دے دو ان ابو سفیان وغیرہ کا، اور محمد کا کام تمام کر دو۔ لیکن وہ تیار نہیں ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو یہیں مدینے میں رہتے ہیں، ہماری تجارت یہیں ہے، کاروبار یہیں ہے، بال بچے یہیں ہیں، یہ تو لوٹ کے چلے جائیں گے مکہ۔ لیکن وہ لگا رہا، اتنا ورغلایا، آخرکار بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر آمادہ کر دیا، اور بنو قریظہ کے لوگ کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف اور مشرکوں کا ساتھ دینے لگ گئے، اپنے جانور بھی ان کے کھانے کے لیے، اونٹ وغیرہ بھیج دیے ان کی مدد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا۔ پھر ان کے درمیان جو توڑ کی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے، نعیم بن مسعود تھے، جنہوں نے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے یہودیوں، مشرکوں اور ان کے منافقوں کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دی تھی، وہ تفصیل سے پہلے درس میں آ چکا ہے۔ تو اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ یہودی جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا، اس نے بھی بدماشی کر لی، عہد کی خلاف ورزی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آندھی طوفان چلا، فرشتوں کا لشکر آیا اور کفار مکہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، صبح میدان صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی کئی دنوں کے بعد، مشقت کے بعد، پریشانی کے بعد گھر آئے تھے، ابھی ہتھیار اتار رہے تھے، نہانے کی، غسل کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ جبرائیل امین ہتھیار پہنے ہوئے آگئے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ غسل فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آرام کا موقع نہیں ہے، دیکھو میں تو لشکر کے ساتھ آ گیا ہوں، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ، کہاں کا ارادہ ہے؟ مشرق کی طرف وہ آباد تھے کہ ادھر، یعنی بنو قریظہ چلنا، بدماشی کی ہے انہوں نے، ان کا کام تمام کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں منادی کروائی، اعلان کروایا کہ بھائی جو اطاعت فرما برداری پر ہے وہ سب ہمارے ساتھ چلیں گے،
ये वो मौका होता है जब थक चुका होता है इंसान, दोबारा तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हुजूर ने कहा जो इताअत और फरमा बरदारी पर हमारे साथ चलेगा। जुहर की नमाज का टाइम होने वाला था कि जुहर असर वहीं जाके पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जिब्राइल अमीन ने, मैं पहले जा रहा हूँ, उनके महल्लात में जलजला पैदा कर दूंगा, उनके दिलों में खौफ डाल दूंगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गए, उनका मुहासरा किया। बड़े मालदार लोग थे, माशी एतबार से बहुत मजबूत थे, पूरे अरब में इनकी तिजारत थी, सूदी कारोबार किया करते थे। अपने इन हवेलियों और किलों में उन्होंने बड़ा खाना पीना जमा कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि हम मुकाबला करेंगे। अपने किला में किला बंद हो गए और तकरीबन 24 दिन अंदर रहे। फिर उन्होंने देखा कि अब तो ये घेराव किया हुआ है, छुटकारा तो है नहीं, तो क्या किया जाए। उनका जो सरदार था काब बिन अस्वद, उसने अपने लोगों को जमा किया कि या तो ये करो कि मोहम्मद को नबी मान लो, हम मुसलमान हो जाते हैं, इसलिए कि हमारी किताब में है ये आखिरी नबी है, पेशिन गोयां मौजूद हैं, या तो ये करो, या फिर ये करो कि अपने बच्चों को बीवियों को सबको अपने हाथों से कत्ल कर दो, फिर जवां मर्दी के साथ लड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। और तीसरी एक और शर्त पेश की थी, या ये कि सरेंडर हो जाओ। लेकिन उनके जो यहूदी थे उन किसी शर्त के लिए तैयार नहीं हुए। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीले औस ने कहा कि बनू कुरैज़ा से हमारे पुराने ताल्लुकात ज़माने जाहिलियत में हमारे हलीफ थे, इत्तेहादी थे, तो इनके साथ वही मामला किया जाए जो बनू नज़ीर वगैरह के साथ किया गया है, जिला वतन कर दिया जाए, दूसरा कोई दूसरी कोई सज़ा न दें। बनू कुरैज़ा में हज़रत अबू लुबाबा एक सहाबी थे, वो उनके दरमियान रहते थे। बनू कुरैज़ा ने सोचा कि अब बात तो माननी है, किलों से निकलना है बाहर, लेकिन क्या करें, किसी से मालूम कर लें कि मोहम्मद हमारे बारे में क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। और इनके बारे में फ़ैसला साफ था, बड़ी बदमाशी की थी उन्होंने, जिस मौके पर साथ देना चाहिए था अंदर से उभर के साथ मुखालिफ हो गए, इसलिए साफ दिख रहा था सबको कत्ल कर दिया जाएगा, बगावत की यही सज़ा होती है। लेकिन मालूम कर लें तो हज़रत अबू लुबाबा को बुलाया, कहा कि भाई हमारे तो आपस में भाईचारगी है पुरानी, बताओ कि मोहम्मद हमारे बारे में क्या फ़ैसला करेंगे, हम उनके फैसले पर उतर जाएं, जो वो कहेंगे वो मान लें। कहा कि हाँ उतर जाओ, लेकिन बस इतना इशारा किया, ज़बान से कुछ नहीं बोला था कि फैसले पर उतरो या ना उतरो, काम तो तुम्हारा होने वाला है पूरा। अबू लुबाबा को एहसास हो गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, मैंने गलत किया, ये तो राज की बातें होती है, मैंने जाहिर कर दी। वो फ़ौरन वहाँ से उठे, मस्जिद नबवी के एक सुतून से अपने आप को बांध लिया, कसम खा ली जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आएगा मैं न खाऊंगा न पीऊंगा यहाँ तक कि मर जाऊँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पता चला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो सीधा मेरे पास आ जाते और कहते मुझसे गलती हो गई है, मैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लेता। अब अल्लाह के हवाले मामला कर दिया, तो जब तक वहाँ से फैसला ना आ जाए मैं भी सुतून से छोड़ूंगा नहीं उनको। आज भी अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ जाते हैं, जो रोज़े रसूल के पास है ना, वो रियाजुल जन्ना, जन्नत की क्यारी, उसमें सुतून है, उसमें एक उस्तवानत अबू लुबाबा भी है। वो सुतून जहाँ अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा था, वो कहते हैं वहाँ तौबा कबूल होती है, वहाँ तौबा मांगनी चाहिए, जैसे हज़रत अबू लुबाबा की तौबा कबूल हुई, फिर कुरान की आयतें उतरी और उनको माफ़ किया गया। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इनके बारे में फ़ैसला कबीले औस, चूँकि इन यहूदियों से कबीले औस के ताल्लुकात थे, कबीले औस के सरदार हज़रत साद बिन मुआज करेंगे। हज़रत साद बिन मुआज इस जंग में ज़ख्मी हो गए थे, मदीने में थे, वहाँ से उनको मंगवाया गया, सवारी पर सवार होके आए। जब करीब पहुँचे तो हुज़ूर ने कहा अपने सरदार के लिए खड़े हो, इस्तकबाल में उनको नीचे उतारो। हज़रत साद से कहा कि तुम ही फैसला करना है इनके बारे में जो कुछ करना है। अब पुरानी दोस्ती भी एक तरफ है यहूदियों से, एक तरफ अल्लाह के नबी से ताल्लुक़ है। हज़रत साद ने कहा इनके बारे में जो मैं फ़ैसला करूँगा माना जाएगा? कहा माना जाएगा, कि जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो भी मानेंगे, इन मुसलमान के यहाँ वो भी मानेंगे। हुजूर इधर मौजूद थे, चेहरा इधर किया अदब में एहतराम में, कहा जो इस खेमे में मौजूद है वो भी मानेगा? कहा हुजूर ने कहा मैं भी मानूंगा जो फैसला करोगे वो। हज़रत साद ने कहा कि मेरी राय ये है कि इनके जो जंग के काबिल अफराद हैं बालिग, सबको ख़त्म कर दिया जाए, इनकी जो साजिश है वो ऐसी थी, और जो बच्चे हैं और औरतें उनको कैद कर लिया जाए, और इनकी ज़मीनें जो है मुसलमानों में तकसीम कर दी जाए, ये फ़ैसला कर दिया। और वो सोच रहे थे बनू कुरैज़ा वाले हमारे दोस्त हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, कुछ नरमी होगी, लेकिन नहीं, अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं।
बहरहाल यही फैसला यहूदियों की किताब में भी है, बिल्कुल इसी तरह का फैसला। इस तरह का मामला करने वाले, बगावत करने वालों के लिए हुबहू ये फैसला तौरात में भी लिखा हुआ है। हुजूर ने फरमाया तुमने वही फैसला किया जो तौरात में आसमान से उतरा था। बहरहाल अल्लाह उसकी तो इजारा कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको भी उतारा अहले किताब में से, उनके महल्लात से, और उनके दिलों में रोब डाल दिया। एक फरीक को तुम कत्ल कर रहे थे, एक को कैद कर रहे थे, यानी यहूदियों को सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, हालांकि हर एतबार से मजबूत थे। और तुम्हें उस ज़मीन का, उस इलाके का, उनके मालों का, उस ज़मीन का वारिस बना दिया जिसको अभी तुमने रोंदा नहीं है। खैबर की तब इशारा है कि खैबर भी फतह होगा, अभी वहाँ भी यहूदी हैं, वो चैन से नहीं बैठने देंगे, वो भी फतह होगा। और फिर दूसरे या तीसरे साल खैबर भी फतह हो गया। और कोई सोच सकता है ये कैसे होगा, तो कान अल्लाह वाला कुल शैइन क़दीरा, अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आप देखते जाइए ये सब होने वाला है, बड़ी आसानी के साथ होगा। अल्लाह के नबी ने इस मौके पर, ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर कहा था ये आखिरी कोशिश थी, आखिरी कोशिश कर दी, अब तक ये हमला करते आए हैं, अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, ये कभी हिम्मत नहीं कर सकेंगे हमारी तरफ बढ़ने की। और ऐसा ही हुआ बाद के हालात में, जब ये बनू क़ुरैज़ा की ज़मीनें आई, खैबर की ज़मीनें आई, खुशहाली आ गई मुसलमानों में, अब खाने पीने की चीज़ों की फरावानी हो गई। अल्लाह के नबी की अजवाज बड़ी तंगी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, और कनात के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ, जब खुशहाली आई ना तो उनके दिल में भी बात आई कि भाई अब तक जैसी थी ज़िंदगी हम खुशी से बसर कर रही थी, अब तो खुशहाली आ गई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया कि कुछ ख़र्चा बढ़ा दिया जाए, हमारा भी कुछ सुकून की ज़िंदगी हम भी बसर करें, थोड़ी आयशो शिरत की। अल्लाह के नबी इससे नाराज़ हो, इसलिए कि उम्मत की अक्सरियत हमेशा गरीब रहेगी, और अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि मेरे घर में आयशो शिरत का, राहत और सुकून का और मज़े की ज़िंदगी का एक नमूना हो, तो मेरी उम्मत के गरीबों की जो है दिल शिकनी होगी। इसलिए अल्लाह के नबी का से अजवाज मुतहरात का ये मुतालबा सही था, जायज़ था अपनी जगह, लेकिन उस घर के मुनासिब नहीं था। अल्लाह के नबी तो सादगी के साथ ज़िंदगी चाहते थे, अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए, नाराज़ होकर कसम खाई जिसको ईला कहते हैं, एक महीने मस्जिद की एक तरफ बाला खाना था, ऊपर का रूम था, वहाँ जाकर बैठ गए कि बीवियों से कतई कलामी, कोई बात नहीं होगी, और एक महीने तक वहीं रहे। सहाबा में ये अफवाह फैली कि हुजूर ने अपनी अजवाज को तलाक दे दी, छोड़ दिया है। ये बड़ी तशवीश की बात थी, बेचैनी की बात थी, बड़े आदमी के घर में जिसके फॉलोवर हो और जान निछावर करने वाले हो और इस तरह की चीज़ पेश आ जाए तो बड़ी दिल को तकलीफ़ होती है। सहाबा बड़े परेशान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और ज़्यादा परेशान, उनकी तो बेटियाँ भी उनके घर में थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया बुखारी शरीफ में भी आया है, बेचैन होकर मस्जिद नबवी में आए, हुज़ूर के पास जाने की इजाज़त चाही, एक दो मरतबा तो आने की इजाज़त नहीं दी, अंदर से इजाज़त नहीं मिली। फिर कहा कि हज़रत उमर ने कहा कि ग़ुलाम से कहा, हुज़ूर से कहिए उमर आना चाहते हैं, और अगर अपनी बेटी की तरफ कहा कि हफ्सा ने अगर कुछ मुतालबा किया तो मैं निमट लूँगा। तो हुज़ूर अंदर से थोड़े मुस्कुराए, कहा कि आने दो उमर को। हज़रत उमर अंदर गए, कहे रसूल अल्लाह आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? ताकि नहीं, तलाक तो नहीं दी। खुशी में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया कि वो जो बेचैनी थी साहब में अभी, वो बात सही नहीं है। बहरहाल फिर हज़रत उमर ने चाह के टेंशन का माहौल है, गम का माहौल है, थोड़ी दिल लगी कर ली जाए, थोड़ा मजाक कर लिया जाए। और बुखारी में बाप बांधा इमाम बुखारी ने कि जब कोई दोस्त और अपना करीबी परेशान हो, टेंशन में हो, तो कुछ मजाक कर लेना चाहिए और दिल लगी कर लेना चाहिए, उसका गम हल्का हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल, बैठे बैठे बातों में कहा, इधर उधर की बातें करते हुए आए उस पॉइंट पर, और कहा या रसूल अल्लाह, हम जब मक्के में थे ना तो हमारी औरतों पर हमारा होल्ड था, मर्दों की चलती थी, और यहाँ मदीने आए तो मदीने का माहौल दूसरा है, यहाँ की औरतों की चलती है और मर्दों का होल्ड इतना नहीं है, और हमारी औरतें भी देखा देखी रंग पकड़ गई। एक मरतबा मेरी बीवी ने इसी तरह मुझसे मुतालबा किया, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, डिमांड की, मैंने एक गर्दन पर मुक्का मारा। इस तरह से हुज़ूर सल्लम मुस्करा गए, हंसी आ गई, तो थोड़ी तसल्ली हो गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। फिर उस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लम का आगे क्या इकदाम था, अजवाज के साथ आप सल्लम ने क्या मामला किया, सबक पूरा करना था क्योंकि ये आखिरी रुकू था इस सूरत, इस पारे का, इंशाल्लाह अगले दर्स में, चूँकि आगे आयतें भी इसी से मुतालिक हैं, तो अगला दर्स उसमें हम इंशाल्लाह फिर इसको बताएंगे।
ईला का क्या मसला हुआ और अल्लाह के नबी सल्लम की अजवाज ने फिर क्या किया आगे, वो आगे आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।